अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ देखने वालों, मैं हूँ मोहम्मद शाहिद अली और आप लोग देख रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड। गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में कटके और तुम ना पसंद करो कि लोगों को इसका पता चले। हुजूर ने फरमाया कि जिस घर में सूरे बकरा पड़ी जाए शैतान वहाँ से भाग जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझे ज़ुबान और शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। नबी करीम ने फरमाया, पांच काम ऐसे हैं जिन्हें जो शख्स भी ईमान की हालत में सरंजाम देगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। नंबर एक, जो शख्स वुजू, रुकू, सुजूद और अवकात का ख्याल रख कर पाँच वक्त की नमाज की पाबंदी करे। नंबर दो, रमज़ान के रोज़े रखे। नंबर तीन, अगर इस्तेआत हो तो बैतुल्ला का हज करे। नंबर चार, ज़क़़त अदा करके अपने नफ्स की पाकिजगी का सामान करें। नंबर पाँच, अमानत अदा करें। जिसने हज किया और फसक और फहश कलाम से बचा तो वो ऐसा पाक हो जाता है जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ। मकबूल हज का बदला सिवाय जन्नत के कुछ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कंजूस वो है जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो फिर भी मुझ पर दुरूद ना भेजे। नबी करीम का फरमान है कि तबाही है उसके लिए जो झूठ बोलता है ताकि इससे लोगों को हंसाए, तबाही है उसके लिए, तबाही है उसके लिए। कुरान पाक की तिलावत किया करो क्योंकि वो कयामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए शफीक बन के आएगा। नबी अकरम ने फरमाया, किसी को रास्ता बता देना सदका है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ज़्यादा मत हंसो क्योंकि ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे मुतालिक ऐसे बात कहे जो मैंने ना कही हो तो वो जहन्नम के अंदर अपना ठिकाना तैयार रखे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अपने रब का जिक्र करने वाला और ना करने वाले की मिसाल जिंदा और मुर्दा दिलों की सी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम अपने औलाद को जब वो 7 साल के हो जाए तो वो नमाज का हुक्म किया करो और जब वो 10 साल की उम्र को पहुंच जाए तो नमाज की पाबंदी ना करने पर इन्हें मारा करो और इनके सोने की जगह अलग कर दो। रसूलुल्लाह का फरमान है कि बंदा अपने रब के सबसे करीब सजदे में होता है, अल्लाह ताला हमें सजदे का तौफीक दे। नबी अकरम ने फरमाया कि इंसान और इसके ऊपर के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज का छोड़ना है। नबी करीम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का जिक्र इतनी कसरत से करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहे। नबी अकरम ने फरमाया, ऊन की तरह एक ही सांस में पानी मत पियो बल्कि 2 या 3 मरतबा सांस लेकर पियो और पानी पीने से कबल तस्मिया बिस्मिल्लाह पढ़ो और फराहत पर तमहीद अल्हम्दुलिल्लाह कहो। नबी अकरम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपने मुसलमान भाई को काफिर कहता है तो दोनों में से कोई एक शख्स इस कुपर के साथ लौटा, यानी अगर जिसे कहा गया वो काफिर ना हुआ तो कहने वाला खुद काफिर हो जाता है। तो मेरे भाइयों, ऐसे मामलों में बहुत ही एहतियात करें। आजकल ये मामले खासकर सियासत के मैदान में बहुत ही आम हो चुके हैं, अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ी ज़्यादती ये है कि किसी मुसलमान की नाहक बेइज्जती करना। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर और अहादीसों पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। वीडियो आखिर तक देखने का शुक्रिया। आखिर में एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए इस्लामिक वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।